प्रोग्राम में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, जहां झज्जर के रहने वाले एक युवक से उसकी जान पहचान। आरोपी पीड़ित से शादी का वादा करके रेप करता रहा और अब शादी की बात से मुकर रहा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जो देखिए पीड़िता युवती है जो लक्ष्मण विहार की रहने वाली है, उसने अपनी शिकायत में बताया कि मनोज नाम का लड़का जो बेसिक झज्जर का रहने वाला है और यहाँ बादशाहपुर रोड पे लैंडशो कंपनी है, उसमें एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करता है, जो उसको काफी दिनों से शादी का झांसा देकर उसके साथ उसका यौन शोषण करता रहा। जब भी पीड़िता युवती ने उसके साथ शादी करने की बात कही तो उसको टालता रहा और आखिर में उसके साथ मारपीट करके पीड़िता लड़की ने जो अपनी शादी के लिए 40,000 रुपए के करीब जो राशि जोड़ी हुई थी वो भी लेकर भाग गया है, जिस पर पीड़िता लड़की के कंप्लेंट पर थाना महिला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी आरोपी की गिरफ्तारी बका है। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश की रहने वाली 23 साल की पीड़ित गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार इलाके में रहती है। पीड़ित यहां एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। पीड़ित ने पुलिस में लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि झज्जर के रहने वाला मनोज उससे एक दिन संपर्क में आया और पीड़ित से शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने लगा। पीड़ित ने जब शादी करने के लिए दबाव बनाया तो आरोपी पीड़ित से 46,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है, जहां आईपीसी की धारा 164 के तहत बयान कराने के बाद पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। कश्मीर के हंदवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। बीते 10 महीने में जम्मू कश्मीर में 190 आतंकियों को मार गिराया गया है। इनमें से 110 विदेशी टेररिस्ट और 80 लोकल टेररिस्ट थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जैसे ही सुरक्षा बल उनके ठिकानों पर पहुंचे, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें पाकिस्तान के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया, साथ ही इलाके में तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया है कि आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलते ही आधी रात को सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई। इसमें सीआरपीएफ, पुलिस और सेना तीनों ने मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। आतंकवादियों से पहले आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। इससे पहले सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था। ये वारदात पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में हुई थी, जहां हमलावरों ने सेना के 42 राष्ट्रीय राइफल्स और एसओजी की एक संयुक्त पार्टी पर हमला किया था। इसमें सेना की मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना अब दक्षिण कश्मीर में आतंकियों के अंतिम गढ़ को तबाह करने में जुटी है। शोपियां जिला आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। इलाके में आतंकियों की गतिविधियां खुलेआम देखी जा सकती है।